प्रमेय छः, कथन। किसी वृत्त अथवा सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है, ज्ञात है। वृत्त में PQ और RS दो समान जीवाएं हैं तथा O से PQ और RS पर क्रमशः OL और OM लंब डाला गया है। सिद्ध करना है OL बराबर OM, रचना O को P तथा R से मिलाइए। उपपत्ति। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि PQ बराबर है RS से, ये हमें ज्ञात है। अब कहीं हम 1/2 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 PQ बराबर 1/2 RS। 1/2 PQ बराबर 1/2 RS। 1/2 PQ को हम लिख सकते हैं PL, और उसी तरह से RS का आधा 1/2 RS का जो आधा है वो हम RM लिख सकते हैं उसे। यहाँ पे हमने नियम लगाया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समान भागों में बांटता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि OP जो रेखाखंड है वो OR से बराबर है, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ देखेंगे कि कोण OLP बराबर है कोण OMR से, जो कि 90 अंश है, ये हमारी रचना से। इसी तरह से त्रिभुज OLP सर्वांग सम है त्रिभुज OMR से। यहाँ पे हमने RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बताया है। RHS सर्वांग समता नियम, समकोण कर्ण भुजा, तो इसलिए OL बराबर है OM से। यहाँ पे हमने सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग को बराबर बताया है।
तो यह इस प्रमेय में यही सिद्ध करना है। करके देखें, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं। उपपत्ति दें।